नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे डेरी न्यूज में। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के कपाट खोलने का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, तनाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यहां महिलाओं को प्रवेश नहीं देने की कोशिश की जा रही है। वहीं स्वामी अयप्पा के दर्शन के लिए महिला श्रद्धालु जुटने लगी हैं। मंदिर परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन और तनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सबरीमाला मंदिर में सभी लड़कियों और महिलाओं को प्रवेश की इजाज़त देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से मंदिर के द्वार आज खुलने जा रहे हैं। आज शाम 5 बजे सबरीमाला मंदिर के कपाट खुलने हैं। इस बीच भगवान अयप्पा की सैकड़ों महिला भक्तों ने निलक्केल में कई वाहनों को रोककर चेक किया। इस दौरान वे मासिक धर्म की उम्र वाली महिलाओं को आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद तनाव और बढ़ गया। मंदिर परिसर के से करीब 20 किलोमीटर दूर निकलन बेस कैंप में भगवान अयप्पा के बहुत सारे भक्त ठहरे हुए हैं। आपको बता दें कि नरिक्केन इलाके में 3 जगह प्रदर्शन चल रहा है। इसमें 2 जगह संघ परिवार की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और 1 प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। सभी मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का विरोध कर रहे हैं। निलक्केन और पंबा बेस पर करीब 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी है, जिसमें 800 पुरुष और 200 महिलाएं शामिल हैं। इनके अलावा 500 से अधिक अन्य सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लेना शुरू कर दिया है। पुलिस ने अभी तक कुल 11 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। इनमें 8 को मंगलवार रात और 3 को बुधवार सुबह हिरासत में ले लिया गया है।